उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या के मामले में आज प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आज तलाशी के दौरान माफिया अतीक के चकिया वाले कार्यालय से काफी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया है। पुलिस को सबसे अंदर वाले कमरे में 5 पिस्टल और कई तमंचे मिले और एक पोटली में बांधकर रखा गया कारतूस भी पुलिस को मिला। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अरशद कटरा उर्फ अरशद खान, ये श्री उमेश पाल एवं जो दो सुरक्षा कर्मी थे, उनके जो मर्डर की साजिश थी उनकी बैठकों में ये शामिल था। अभी इससे और विस्तृत जानकारी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिन दो अभियुक्तों की निशानदेही पे ये कैश और असलाह बरामद हुआ है, इनमें से एक है कैश अहमद। कैश अहमद लगभग 16 साल से अभियुक्त अतीक अहमद और उसके परिवार में ड्राइवर का कार्य कर रहा है। घटना के बाद में असलाह और कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पे छुपाने का कार्य जो था इसको साथ में सौंपा गया था अन्य अभियुक्त के। आज इसकी ही निशानदेही पे कैश इसकी और कैश अहमद की निशानदेही पर ही असलाह और कैश बरामद हुआ है। विस्तृत पूछताछ अभी हम इससे कर रहे हैं, अभी डिटेल्ड इंक्वायरी की जा रही है। पांचवा अभियुक्त है राकेश कुमार उर्फ नाकेश कुमार उर्फ लाला। ये अतीक अहमद के परिवार में घर के कार्य और मुंशी का काम पिछले 19 साल से कर रहा है। घटना के बाद में अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, घटना के बाद में असलाह व कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पर छुपाने का कार्य इसको था। इसकी और जो ड्राइवर कैश अहमद है उसकी निशानदेही पे असलाह और कैश बरामद आज इसने करवाया है। विस्तृत पूछताछ आज पुलिस ने कई जगहों पर रेड की, जिसमें नियाज अहमद, मोहम्मद सजद, कैश अहमद, अरशद कटरा और राकेश कुमार को पकड़ा। नियाज अहमद ने ही उमेश पाल की रेकी की थी। पकड़े गए सजद को अतीक के बेटे असद ने आईफोन दिया था और इसी फोन से वो असद को पल पल की रिपोर्ट दे रहा था। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया वाले कार्यालय को घेर कर रेड की, जिसमें अंदर वाले कमरे में 70,64,000 रुपए बरामद हुए और उसी के पीछे कपड़े में बांध कर रखी 5 पिस्टल और 5 देसी तमंचा और सैकड़ों कारतूस मिले। पुलिस ने सभी हथियारों को बरामद करके कब्जे में ले लिया। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था, अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में बताया है। जो इस मर्डर से संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी, उन मीटिंगों में ये शामिल था। इसके पास से एक फ़ोन बरामद हुआ है जिसके संबंध में अभी अग्रिम छानबीन की जा रही है। दूसरा जो अभियुक्त है वो मोहम्मद सजर है। मोहम्मद सजर है ये जयंतीपुर सुलेम सराय का रहने वाला है और श्री उमेश पाल के घर के पास में रहता है। इसको असद ने अपने घर पर बुलाकर एक आईफोन दिया था और उस आईफोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव थे। इस फोन पर इंटरनेट के माध्यम से अतीक, अशरफ, असद आदि से उमेश पाल की लोकेशन लेने का कार्य इनसे सौंपा गया था। अभी अभी जो प्रिलिमिनरी पता लगा है उसमें ये श्री उमेश पाल की गाड़ी के आने और जाने की सूचना देने का कार्य कर रहे थे। पकड़े गए इन लोगों में कैश अतीक के घर का ड्राइवर है, जबकि राकेश अतीक का घरेलू नौकर है। इन दोनों को असद ने पैसे और हथियार छुपाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन लोगों को दबोच लिया। हालांकि अभी तक उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी फरार है। कमिश्नर रमेश शर्मा का कहना है कि कुछ लीड मिली है, जल्द ही कुछ बड़ी सफलता हाथ लगेगी।